गाइज अभी अभी एंड हुआ है यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स वर्सेज यूमुम्बा का मैच, और गाइज यहाँ पे ये मैच जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है अनप्रिडिक्टेबल रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो है 30 पॉइंट से फुल टाइम के विकेट के बाद यूमुम्बा के, और गाइज 32 पॉइंट से बंगाल वॉरियर्स के। बट गाइज उसके बावजूद भी यहाँ पे यूमुम्बा यहाँ पे बहुत ही अच्छे यहाँ पे उन्होंने खेल दिखाया, बहुत ही अच्छा खेल का यहाँ पे प्रदर्शन करा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है यूमुम्बा इस मैच को जीतने की हकदार थी, बट लास्ट में छोटी छोटी गलतियाँ हुई उनकी वजह से जो है यहाँ पे यूमुम्बा इस मैच को लूज करी। रेडिंग में मैच डिफेंस में मैच बिल्कुल बराबर था 10-10 यहाँ पे, बट उसके बाद यहाँ पे रेडिंग में थोड़ा सा मैच में यहाँ पे आगे थी बंगाल वॉरियर्स की टीम, यहाँ पे 3 पॉइंट से उनमें दो मेरे ख्याल से 1 पॉइंट से यहाँ पे उनमें डिफरेंस था। उसके अलावा गाइस यहाँ पे जो है ऑल आउट में भी टीम बराबर थी, दो आउट दोनों ही टीम्स ने दिए, बट गाइस मेन डिफरेंस है यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अंदर, जहाँ पे गाइस 1 पॉइंट से आगे थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट थे बंगाल वॉरियर्स के और 1 एक्स्ट्रा पॉइंट था यहाँ पे यूमुम्बा का, तो गाइस वहाँ पे मेन डिफरेंस आया जिसकी वजह से यहाँ पे 2 पॉइंट्स की जीत मिली यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स को। बट उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर हम ओवरऑल मैच देखें तो ओवरऑल मैच में यहाँ पे हमें दोनों ही टीम बराबरी की नजर आई। सो गाइस इस यहाँ पे पॉइंट टेबल में गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आ गया है इस मैच के बाद, क्योंकि गाइस बंगाल वॉरियर्स यहाँ पे ऊपर चले गई है, वहीं पे गाइस यूमुम्बा के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई हैं। इस मैच के गाइस यहाँ पे स्टार ऑफ द प्लेयर रहे बलदेव सिंह, जिन्होंने गाइस यहाँ पे हाई फाइव लगाया। बेशक यहाँ पे के प्रमंजन ने भी यहाँ पे 5 पॉइंट से 6 पॉइंट से रेडिंग के अंदर 5 पॉइंट से मनिंदर सिंह ने, बट गाइस यहाँ पे जो है बलदेव सिंह ने जिस हिसाब के यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया और हाई फाइव लगाया, मैं मानता हूँ आज का मैच उन्हीं ने सेव करा। लास्ट में जीवा कुमार का जो टैकल था उन्होंने भी 4 टैकल पॉइंट्स लिए, और लास्ट में उनका टैकल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे शानदार था, जिसके बदौलत यहाँ पे जो है बंगाल वॉरियर्स को इस मैच में जीत मिली। सो इसमें भी इतना ही, लाइक एंड शेयर वीडियो को, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। मैं बताऊँ में जय हिंद, वंदे मातरम।